सरकार को तुमसे मेडल की कोई उम्मीद नहीं, जीत पाओगे। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाले सबसे बड़े क्लेश में से एक मैदान और बड़े मियां छोटे मियां को रिलीज होने में कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है, जहां पर सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का भी ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और दोस्तों, इसके ट्रेलर को रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं, तो वहीं दोस्तों मैदान के ट्रेलर को रिलीज हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म बड़े मियां छोटे मियां और मैदान के ट्रेलर्स के बारे में, और किस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप भी टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, अजय देवगन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को जैसे लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म मैदान के बारे में, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार अजय देवगन, गजराज राव और प्रिया मणि नजर आने वाली हैं। दोस्तों, ये फिल्म एक बायोपिक ड्रामा फिल्म है, जो कि इंडियन फुटबॉल के गोल्डन एरा को दिखाने वाली फिल्म होगी। इस फिल्म को दोस्तों लगभग 220 से 250 करोड़ रुपए के बजट में बनाकर तैयार किया गया है, जो कि पिछले 5 साल से पोस्टपोन हो रही थी। एक्चुअल में दोस्तों, इस फिल्म को 2019 में रिलीज किया जाना था, लेकिन दोस्तों फिर ये फिल्म पोस्टपोन होती गई और फाइनली अब 2024 में ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। इसके ट्रेलर को 7 मार्च को रिलीज किया गया था, जिससे कि ऑडियंस की तरफ से ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। फुटबॉल जैसे बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बनाई गई दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 अप्रैल को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाना है। ट्रेलर दोस्तों इस फिल्म का ठीक ठाक था, ऑडियंस को दोस्तों इसमें अजय देवगन की एक्टिंग अच्छी लगी। तो वहीं दोस्तों, कहानी गोल्डन एरा को दिखाती है, जो कि दोस्तों 1990 के समय का हमें स्ट्रगल दिखाएगी। इसके ट्रेलर को दोस्तों अभी तक 3,70,00,000 से ज्यादा व्यूज हासिल हो चुके हैं, जबकि 22,000 से ज्यादा लाइक्स इसके ट्रेलर को पिछले 3 हफ्तों में मिल चुके हैं। यानी कि दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो इसके ट्रेलर को ऑडियंस की तरफ से तो ठीक रिस्पॉन्स ही मिला है। तो वहीं दोस्तों, क्रिटिक्स को भी इस फिल्म का ट्रेलर अच्छा लगा था। यही वजह है दोस्तों कि अजय देवगन की इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में जो बज है वो ठीक ही बना हुआ है। हालांकि दोस्तों, ग्राउंड लेवल पर जिस तरह का बज शैतान के लिए बना हुआ था, वैसा बज अभी मैदान फिल्म के लिए बना हुआ नहीं है। लेकिन दोस्तों, शैतान की वजह से अजय देवगन की इस फिल्म को भी ऑडियंस देखने जाने वाली है। तो दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म का एक और ट्रेलर रिलीज होने वाला है, जिससे कि ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स अगर मिल जाता है तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट की ओपनिंग ले सकती है और लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की ओपनिंग इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ले सकती है। इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 1800 से 2200 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा, जिसका सेकेंड ट्रेलर जल्द ही रिलीज होगा। इस फिल्म को बुक माई शो पर अभी तक 36,000 से ज्यादा इंटरेस्ट ही हासिल हो पाए हैं। दोस्तों, बताते चले आपको कि मैदान को अगर 10 से 12 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिलती है और इस फिल्म को अगर ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो ये फिल्म 150 करोड़ रुपए के बीच की कमाई इंडिया से और लगभग 200 करोड़ रुपए की कमाई पूरे वर्ल्ड से कर सकती है। इस फिल्म के ट्रेलर को अभी तक 2,00,000 से ज्यादा व्यूज हासिल हो चुके हैं, जिसमें से 31,000 से ज्यादा लाइक्स इस फिल्म के ट्रेलर को अभी तक मिल चुके हैं। यानी कि दोस्तों, मैदान के ट्रेलर से ज्यादा लाइक्स यहां पर बड़े मियां छोटे मियां के ट्रेलर को सिर्फ 2 ही दिनों में मिल चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के बज की, तो दोस्तों अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में पहले से ही काफी अच्छा बज बना हुआ है। लगभग 100 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इस फिल्म का एक्शन दमदार है, विजुअल्स काफी अच्छे हैं। तो वहीं दोस्तों, ट्रेलर ने अपना काम कर दिया है, ऑडियंस को दोस्तों इसका ट्रेलर अच्छा लगा है, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म के ट्रेलर को अच्छा बताया। साथ ही साथ दोस्तों, अक्षय कुमार को एक बार फिर से एक्शन अवतार में देखने के लिए ऑडियंस एक्साइटेड है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के लिए तैयार है और अपने पहले ही दिन ताबड़तोड़ कमाई करने वाली है। अगर बात की जाए इस फिल्म के बज की, तो दोस्तों ग्रैंड लेवल पर इस फिल्म का बज काफी अच्छा बना हुआ है, जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन नॉर्मली 30 से 35 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। इस फिल्म को लेकर दोस्तों बुक माई शो पर अभी तक 50,000 से ज्यादा इंटरेस्ट क्रॉस हो चुके हैं, जबकि दोस्तों इस फिल्म को भी हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाना है। अगर ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो यह फिल्म अपने लाइफ टाइम में 300 से 500 करोड़ रुपए की कमाई इंडिया से और लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से कर सकती है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो बड़े मियां छोटे मियां का बज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैदान से ज्यादा होने वाला है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, दोनों फिल्मों में से सबसे ज्यादा कलेक्शन कौन सी फिल्म करेगी, मैदान फिल्म या फिर अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।